रिबॉन्डिंग आपने खुद करनी है, ग्लव्स लगा लेना है, और ये आपके बाल बड़े हैं तो इसको आपने पोनी लगा लेनी है, और अब इस ट्यूब को मैं निकालूंगा बोल में। अब हम इसको जो नंबर वन है इसको हम निकाल लेंगे। आपने नीचे से ऊपर की तरफ आपने इस तरीके से क्रीम लगा के इन बालों को ऐसे खींच लेना है, इसको फिर आपने क्रीम से कवर कर लेना है। अब मैंने लगाई है नंबर वन क्रीम पूरे एरिया पे, सर पे। अब आपको मैं दूसरा पार्ट दिखा रहा हूँ कि आपने ये क्रीम कैसे लगानी है। इसको वॉश करूँगा आधा घंटा रख के, फिर इसको अप्लाई करूँगा टोटल हेयर। पहले वाले नंबर को क्रीम को मैंने वॉश कर दिया, और अब मैं स्ट्रेटनर के साथ थोड़े थोड़े बाल लेके तो इनको स्ट्रेट करूँगा। थोड़े थोड़े बाल लेके इन सब को मैं स्ट्रेट करूँगा। और ये हमारा स्ट्रेटनर का मेथड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब लगाएंगे टू नंबर क्रीम। अब हमने लगानी है फिक्सिंग बालम, और ये भी इजी ट्रिक मैं समझाता हूँ कैसे लगानी है आपने। अब बालम को हम बालों के अपोजिट से स्टार्ट करेंगे, और इन टोटल बालों को हम कवर करेंगे। कोई टेंशन नहीं इस क्रीम की, आप जिस तरीके से भी आप इसे, ये इजी मेथड इजी ट्रिक के साथ कि आप खुद लगा सकते हो, ये उस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ।